अल्लाह सल्लम की हदीस है मुस्लिम में तबरानी में हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता था। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह कोई नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं, कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहि सलातो सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रस्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था, वो अल्लाह अल्लाह सिखाता लोगों को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है? उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूं, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफर हो जाते हैं, कुरान और हदीस सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है, फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया, और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रस्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चा कहता है कि रस्ते के अंदर सांप है, रस्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, हराश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदहा मर गया, मेरे अंदर से गवाही आई नहीं दीन की बातें सच्ची हैं, नहीं कुरान की बातें। इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अगरचे उस दौर में इंजील थी, अल्लाह रसूल की बातें अच्छी हैं। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ना छोड़ दिया उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो बात गोल कर देता, वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी, अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है, अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर देता। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, अंधा हो गया, कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया कानों कानों में, उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उसने कहा तू मुझे कलमा पढ़ा, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूं। उसने कहा शिफा तो अल्लाह ही देता है। उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके दुआ मांगी, ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तबरानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसे शिफा दी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहां एक नुक्ता लिखा है हमारे उलमा ने, कहते हैं जब अल्लाह विलायत अता करता है ना तो ये सफेद बालों वाले का हिस्सा नहीं होती। अगर जवानी में कोई आदमी तौबा करके तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो सबसे ज्यादा विलायत अल्लाह उसे अता फरमाता है, सबसे ज्यादा विलायत उसके पास होती है। अभी अभी इसके बाल काले हैं, चढ़ती जवानी है, दुआ की तो अल्लाह ने, और हदीस पाक में मौजूद है कोड़े आते तो शिफा याब हो जाते, अंधे आते तो शिफा याब, बर्स वाले आते तो अल्लाह से दे, जवान है। बादशाह के पास वो वापस गया, वो जो आदमी जिसकी आंखें ठीक हुई थी, बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा मेरे रब ने शिफा दी है। बादशाह सजदे कराता था, अपने आप को मनवाता था माज अल्लाह, कहने लगा मेरे अलावा कौन रब है? उसने कहा वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है, और वही रब है जिसने मुझे अंधे को आंखें दी है, वही है मेरा मालिक। कहा अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं मैं अपने रब को मानता हूं। बादशाह ने उसे सजा दी, सताया, उसने बच्चे का पता बताया, पर बच्चे को बुला के सताया तो उस राहब का पता बताया, राहब भी कत्ल हो गया, नाबीना भी कत्ल हो गया। बादशाह ने कहा सिपाहियों से इस बच्चे को ले जाओ,
और पहाड़ की चोटी पे जाके नीचे फेंको ताकि मर जाए। बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया तो हाथ उठा के कहने लगा, या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा, मेरे लिए नहीं। अल्लाह के बंदे अपनी जान बचाने की दुआएं नहीं मांगते, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। ये दुआ मांगी, जितने लोग साथ आए थे वो सारे जमीन पे गिरे और सब मर गए, पहाड़ से गिर के मर गए। बच्चा वापस सीधा बादशाह के पास, कहने लगा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। जवान का ईमान देखो, मेरे रब ने मुझे, बोलो मेरे अल्लाह ने मुझे, ईमान की गवाही दे रहा है, मैं बच गया हूं। तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। उसने कहा ले जाओ इसको दरिया में, कश्ती में बिठाओ, बीच दरिया के जाके धक्का दे दो। बैठे कश्ती में, दरिया के बीच गए और जब जाके वहां उसको धक्का देने लगे तो उसने कहा अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए, इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया, जितने सिपाही साथ आए थे डूब के मर गए। वो बच्चा उठा और सीधा फिर बादशाह के पास, उसी के पास, कहने लगा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, तेरे पास आया हूं। वो कहने लगा तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, कैसे जान छूटेगी। तो बच्चा कहने लगा अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ और सारे मुल्क को बुलाए, लोगों इकट्ठा करे, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह का बंदा नौजवान, ईमान देखो, मरने के तरीके बता रहा है, मैं तुझे बताऊंगा मैं कैसे मरूंगा। ये बात कही, बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, मुल्क सारा बाहर आ गया, दरख्त के साथ बांध दिया। कहने लगा भाई लोगों ये मुझे मारना चाहता था, मार नहीं सका, अब मैं इसे बताने लगा हूं कि मैं कैसे मरूंगा। इसे कहो जब तीर मारे तो साथ मेरे रब का नाम भी ले, मैं अपने रब के नाम पे जान दूंगा, ईमान की पुख्तगी में अल्लाह के नाम पर जान दूंगा। इसे कहो रब के नाम पे मारे मर जाऊंगा। बादशाह ने अल्लाह कह के तीर मारा, पेशानी में लगा, बच्चे की रूह परवाज कर गई, जितना मजमा खड़ा था सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सारे मुसलमान हो गए सारे। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बताया जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत आएगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फरमाया वो नौखेज वली था, अभी जवान राना था, अभी उसकी पेशानी पर जवानी के आसार थे, लेकिन उसने अल्लाह को राजी किया, रब करीब को राजी। विलायत का मतलब बुढ़ापा नहीं, विलायत का मतलब वो नहीं कि जब बड़ा लंबा वक्त गुजर जाए तो फिर आदमी आए कहे नहीं अब क्या करना है, अब मस्जिद ही है, अब तो इसके अलावा गुजारा ही कोई नहीं। तो उस वक्त का आना अल्लाह की बारगाह में कबूल तो है, लेकिन शाबाशी उसी को मिलती है जो जवानी का वक्त आए, जो ऐन उस वक्त आए जो वक्त मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम है अब्दुल्लाह इब्ने उमर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं निकला, मुझे सफर के लिए जाना था, तो थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा सिरका, एक शहद की बोतल, चीजें मैंने सफर के लिए साथ रख ली। मैं जब मदीने से बाहर सहरा में निकला ना, तो रमजान नहीं था, गैर रमजान था, मैंने एक नौजवान को देखा बकरियां चरा रहा है, बकरियां चरा रहा है, ए जवान। आप फरमाते हैं उसका चेहरा बड़ा नौरानियत वाला, गर्द पड़ी हुई पर बड़ा हसीन। फरमाते हैं मैंने उसको कहा कि आ जाओ खाना खा लो, रोजे भी नहीं थे। कहने लगा नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है। फरमाते हैं मैंने कहा पता करूं कि नेक नेक ही है कि परहेजगार भी है। नेक वो होता है जो नमाज पढ़े रोजा रखे, परहेजगार वो होता है जो गुनाह से बचे, वो परहेजगार होता है। कहा पता करूं परहेजगार भी है कि नहीं। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसको कहा भाई तेरी बकरियां बड़ी प्यारी है, मेरा दिल करता है एक बकरी मुझे दे दो। कहते वो जवान गुर्बत भी परेशानी भी पर दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं धब्बे नहीं होते, गुर्बत है। कहा जनाब एक बकरी दे दो। आने लगा जनाब बकरियां मेरी नहीं, बकरियों का मालिक कोई और है। कहते मैंने आजमाने के लिए कहा कि बकरियों के मालिक को कहना एक बकरी भेड़िया ले गया है, कह देना भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने मेरी तरफ देखा, गर्द से उसके बाल लटे हुए, आंखों में रोशनी, चेहरे पे इत्मीनान, लबो लहजे में ईमान की ताकत, नौजवान। कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मैं कांपने लगा उसकी बात सुन के, वापस आया, जो काम निकला था वो छोड़ा, वापस लौट आया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, पता चला फुला आदमी का है। कहते मैंने पहले गुलाम खरीदा, फिर पता किया तेरे पास बकरियां कितनी है, उसने कहा 400। कहते मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया,
پھر وہ بکریاں تحفے میں دی تحفے میں، کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے.